अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम अबुजर खान है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल अबुजर। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग फेसबुक को इंस्टाग्राम से कैसे अनलिंक कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक को इंस्टाग्राम से कैसे अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ने क्या कर देना है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग ने इंस्टाग्राम को ओपन कर देना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने इस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग को ऊपर राइट साइड पर थ्री लाइन है, सिंपली दोस्तों आप लोग ने उस थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोग ने सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ने अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को प्रोफाइल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ने प्रोफाइल्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी और इसके साथ साथ मेरा फेसबुक आईडी भी है। अब आप लोग ने इसको कैसे अनलिंक कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर फेसबुक आईडी को अनलिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक आईडी है, अभी इसको मैं अनलिंक कर देता हूँ। तो इसके लिए आप लोग ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा फेसबुक प्रोफाइल, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोग ने नीचे यहाँ पर आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग को अकाउंट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने अकाउंट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो इंस्टाग्राम आईडी है और इसके साथ साथ जो फेसबुक आईडी है वो यहाँ पर दोनों शो हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, तो मुझे यहाँ पर फेसबुक आईडी को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग रिमूव देख सकते हैं, सिंपली दोस्तों आप लोग ने रिमूव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर यू श्योर वांट टू रिमूव फेसबुक अकाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट सेंटर, तो आप लोग ने यहाँ पर नीचे रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं अबुजर खान विल लूज एक्सेस टू दीज एंड ऑल अदर कनेक्टेड एक्सपीरियंस, तो आप लोग ने यहाँ पर इसको छोड़ देना है और नीचे यहाँ पर आप लोग ने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग रिमूविंग योर अकाउंट। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यस रिमूव अबुजर खान, तो आप लोग ने यहाँ पर नीचे सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ यहाँ पर थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यू रिमूव अबुजर खान, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन री एडिट दिस अकाउंट एनी टाइम, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कभी भी अपने अकाउंट को दोबारा से लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लिंक नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर आप लोग ने सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो यहाँ पर रह चुका है, यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल था जो कि मैंने अभी भी उसे अनलिंक कर दिया है और फिर से आप लोग को प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जस्ट इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देख सकते हैं, इसके अलावा जो फेसबुक का प्रोफाइल था वो मैंने यहाँ से अनलिंक कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं, मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।